ताहे गोरा के शो बिला तकल्लुफ में हलीमा आपको खुश कहती हूँ आप टैक टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आज के शो में बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर होने वाले अटैक्स की सूरत का जायजा लेंगे पाकिस्तान में आईएसआई के सबक बदनाम जमाना चीफ जनरल फैज़ हमीद पर चलने वाले कोर्ट मार्शल पर भी बात करेंगे यूक्रेन के रूस के अंदर घुसकर हमला करने और रूसी इलाकों पर कब्जा करने के बाद की सूरत हाल का भी तजिया करेंगे बरतानिया में नस्ली फसादात से भड़क उठने वाले हालात का जायजा लेंगे ईरान इसराइल महाज की गर्मा गर्मी पर बात करेंगे कैनेडा में भर्ती एंटी सेमेटिज्म की क्या वजह है क्या अमेरिका में रिपब्लिकन की मकबूलियत में कमी वाक हुई है तो चलिए आज के शो का आगाज करते हैं आपके साथ सबसे पहले तो हम इस न्यूज़ को शेयर कर लेते हैं कि हम लिटरेरी फेस्टिवल यहाँ होने जा रहा है तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आगाह कीजिए देखिए पिछले साल हमने अगस्त के महीना में ही ब्रैमटन के अंदर फेस्टिवल किया था कैनेडियन साउथ एशियन लिटरेरी फेस्टिवल हमने एक बेंच मार्क कायम किया फिर नालिंदा एवॉर्ड्स हमने दिए इस बार हम दूसरा साउथ एशिय लिटरेरी फेस्टिवल बर्लिंगटन में कर रहे हैं आर्ट गैलरी ऑफ बर्लिंगटन जो जी का हिस्सा है थर्टीन थर्टी वन लेक शोर रोड बर्लिंगटन सैटरडे सेवनटीन अगस्त और संडे एटीन अगस्त सुबह दस बजे से लेट आफ्टरनून या शाम अर्ली इवनिंग पाँच बजे तक वो चलेगा Uh, ये फेस्टिवल इस बार एक ख़ास थीम के साथ हम कर रहे हैं ख़ासतौर पर सेवनटीन अगस्त का जो फेस्टिवल है वो हम धर्मा लिट फेस्टिवल के नाम से कर रहे हैं जिसमें धर्मा रिलेटेड ऑथर्स और बुक्स आ, उस पॉडकास्ट सेब्रेट की जाएंगी जिसमें भारत से तल्लक रखने वाले और अब वो कनेडियन भी हैं आ, कुशल मेहरा होंगे उनका पॉडकास्ट होगा श्याम शर्मा का पॉडकास्ट होगा फिर बिला तकल्लफ जो हमारा पॉपुलर शो है उसमें ख़ास तौर पर लंदन से आरफ़ अजाखिया जी आ रहे हैं और तोफ़ैल चतुर्वेदी तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और एमी गन्नात्रा भी इसमें हिस्सा लेंगी आ, नील नैथन अमेरिका से आ, आ रहे हैं उन्होंने एक बहुत बढ़िया धर्मा रिलेटेड नावल लिखा है आ, तो ये सब जो दोस्त हैं आ, पहली बार टोरंटो में आ रहे हैं और पब्लिक स्टेज पे आ, अपनी बातें करेंगे लोग जो भी वहाँ पे होंगे उनसे क्वेश्चंस लेंगे उनके आंसर्स देंगे और फ्री एंट्री है स्नैक्स भी फ्री होंगे लंच पे पिज़्ज़ा स्लाइसेस होंगे और चाय स्नैक्स हर दिन चलती रहेगी तो ये अपनी तर्ज का बहुत ही अनोखा फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल का एक और अहम जो पहलू है इस बार वो ये है कि 17, 18 अगस्त को तो टोरंटो में हो रहा है 24 अगस्त को ये शिकागो में हार्पर कॉलेज के ऑडिटोरियम में हो जो वीएचपी के साथ मिलके हम कर रहे हैं तो 24 अगस्त को जो शिकागो में और उसके इर्द गिर्द के इलाक़ों के लोग हैं वो वहाँ पे होंगे जैसा कि स्क्रीन पर दो फ्लाइट्स देख रहे हैं तो मैं पहले तो याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि 17, 18 अगस्त को ये टोरंटो के एरिया बर्लिंगटन में हो रहा है जी आ, में हो रहा है आ, जैसे हमने पिछली बार ब्रैमटन जो जी का हिस्सा है बर्लिंगटन भी जी का हिस्सा है अब उसमें हो रहा है तो आ, इस फेस्टिवल में दो से बाप आए और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग आएंगे और वहाँ पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं आ, उनसे मिलेंगे और एंजॉय करेंगे 18 अगस्त को Uh, जो साउथ एशियन लिटरेचर इन कनाडा है उसके हवाले से पैनल डिस्कशंस होंगी तो सेवनटीन एटीन अगस्त को बहुत स्पेशल एक्टिविटीज़ होंगी फिर अठारह अगस्त को कवि दरबार मुशायरा वो भी होगा तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही लैंडमार्क किस्म का इवेंट है जो हम सब ने आपने मैंने और हमारे साथियों ने मिल शुरू किया था पिछले साल अब वो अगले बरस यानी इस बरस आ चुका है और जिसमें अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये शिकागो में बीस चौबीस अगस्त को होगा और इसकी जो तफसी है मेरे ट्विटर हैंडल पर भी हैं फेसबुक अकाउंट पर भी हैं हमारे यूट्यूब पर भी एक स्पेशल व्लाग भी रिलीज हुआ है उसमें भी हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी खबर है और आपने अच्छा किया कि मेन बातचीत से पहले इस पर बातचीत आप ज़रूर अपने क्वेश्चंस को तैयार कीजिए और इसके साथ साथ ये एक बहुत अहम मौका है जिसमें कि आप धर्मा के मुक जो प्रमिनेंट लोग हैं जो लिखने वाले हैं उनसे डरेक्ट सवाल भी कर सकते हैं और उनकी बुक्स के बारे में देख भी सकते हैं चलिए अब हम बातचीत का आगाज बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर होने वाले अटैक्स की सूरत हाल से करते हैं इस वक्त बंग्लादेश के हालात को आप कैसे देखते हैं देखिए एक हफ्ते से ज्यादा खर्चा हो गया है शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा और वो भारत पहुंची और ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ में से हिंदूज और क्रिश्चियंस पर वहाँ पे अटैक हो रहे हैं जब से वहाँ पे मूवमेंट सो कॉल्ड मूवमेंट स्टूडेंट्स की चली और मैं समझता हूँ कि उस मूवमेंट के पीछे लेजिटिमेट एलिमेंट्स भी हैं मगर जैसा कि साउथ एशिया में आ, जो बहुत सारी मूवमेंट्स चलती हैं उनको हाईजैक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर लिया जाता है तो इस मूवमेंट को भी लग यही रहा है कि वहाँ के जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक हाईजैक कर चुके हैं देखते हैं कि बांग्लादेश की सूरत आगे कैसे बढ़ती है मगर सबसे बड़ा जो कंसर्न है बांग्लादेश में वो माइनॉरिटीज uh, पर अटैक है और प्रीसाइजली हिंदुओं के ऊपर अटैक है हिंदू बांग्लादेश में 1947 से पहले से पिस रहे हैं उन पर अटैक हो रहे हैं मैं तो कहूँगा कि सराज दौला के ज़माने से आ, उनके मसाइल बेचारों के ख़राब ही हैं मगर ये अगर हम अपने पोलिटिकल जियो पॉलिटिक्स के तनाजर में देखें तो रिसेंट सत्तर पचहत्तर अस्सी साल में जो कुछ हुआ फिर आप देखिए पाकिस्तान की आर्मी ने जब ब्रूटल अटैक किया और स्नब किया अपने ही उस वक्त हिस्से पर जो उस वक्त पाकिस्तान का ऐसा था तो उसमें हिंदू जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ थे वो को कोई रफली कोई बाईस तेईस परसेंट थे उस वक्त 1970 की मैं बात कर रहा हूँ तो उन पे भी शरीद अटैक हुए बेतहाशा हिंदूज़ भी मारे गए दूसरे भी मुक्तिमानी के लोग मारे गए वो एक मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए उस ज़माने में तो उसके बाद फिर हिंदुओं पे हर वक्त अटैक्स होते रहे जब शेख मजीबुर रहमान पे असैसिनेशन उनकी हुई 1975 में उसके आसपास भी उन पर अटैक हुए तो बंगलादेश में हिंदू हर सूरत में आ, वो अंडर टारगेट रहे इस्लामिस्टों के हाथों और अब ये जो रीसेंट सूरत हाल है इसमें हमने बहुत सारे वीडियोस देखे बहुत सारी कंफर्म्ड न्यूज़ आई बांग्लादेश से कि भाई उन पर बड़े शरीर अटैक हो रहे हैं उनके घर चलाए जा रहे हैं मंदिर तोड़े जा रहे हैं कुछ लोग अपनी जाने भी घुमा बैठे और सैकड़ों जख्मी हुए हैं और जो लाखों की तादाद में बंगाली बसते हैं बल्कि मेरा ख़्याल है एक करोड़ से ज़्यादा जो हिंदू बंगाली हैं बांग्लादेश में जो बसते हैं उनकी जानों को ख़तरा लाक है बांग्लादेश में नई सरकार जो इंटरिम गवर्नमेंट है बन गई है उसमें नोबल लॉरियट मशहूर आदमी हैं डॉक्टर वो उसको लीड कर रहे हैं उन्होंने अगरचे कहा है अपने कंसर्न का इजहार किया है कि वो आ, इन माइनॉरिटीज़ पर होने वाले अटैक के बहुत ख़िलाफ़ हैं और मजम्मत करते हैं उसको रोकना चाहते हैं मगर चूँकि बंग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है गुजा ख़ास तौर पर आठ दस दिनों से और पुलिस ने काम करना छोड़ दिया था अब ख़बरें आ रही है कि पुलिस वापस अपनी ड्यूटी पर आ रही है और कुछ अटैक्स कम हुए हैं मगर हिंदुओं के ख़िलाफ़ बांग्लादेश में फजा पहले भी ख़राब रहती थी अब और ख़राब रहेगी क्योंकि जो जिन लोगों ने यह नाम निहाद वहाँ पर मूवमेंट चलाई है वो चूंकि अवामी लीग के ख़िलाफ़ हैं और हिंदू का जो कम्यूनिटी है बांग्लादेश में उसके बारे में तासर यह है कि वो अवामी लीग को सपोर्ट करती है भाई अगर वो अवामी लीग को उनकी मेजोरटी सपोर्ट करती है तो उनको हक हासिल है इस बात का इसका यह मतलब तो नहीं है कि उनके घर चलाए जाएँ उनको मार दिया जाए तो सिचुएशन काफ़ी वहाँ पे डायर है और हमने पिछले सैटरडे को देखा कितना बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ टोरंटो में हुआ फिर सुना है, हैमिल्टन में हुआ कनाडा के बहुत सारे शहरों में हो रहा है सैकड़ों हज़ारों ना सिर्फ बंग्लादेशी बल्कि हिंदू जो आ, दुनिया से मुख्तलिफ इलाक़ों में यहाँ के कनाडा में बस रहे हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया मैं गायना के हिंदू से मिला उस पार्टी उस प्रोटेस्ट में और भारत के हिंदू भी थे इवन दूसरी कम्यूनिटीज़ ईरानी कम्यूनिटी भी थी इसराइली कम्यूनिटी भी थी इवन मॉडरेट मुस्लिम्स भी कुछ थे वो भी इस पर कंसर्न अपना शो कर रहे थे तो सिचुएशन काफ़ी इस वक्त ख़तरनाक है बुनियादी सवाल आपका कि बंग्लादेश के अब हालात कैसे होंगे देखिए बांग्लादेश के हालात काफ़ी जो है क्राइसिस का शिकार हैं पॉलिटिक्स वहाँ की अप्स एंड डाउन है अवामी लीग वहाँ की एक बहुत बड़ी पोलिटिकल जमात है आ, अगर अवामी लीग के ख़िलाफ़ कोई मूवमेंट चली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अवामी लीग ग्राउंड से ख़त्म हो गई है वो अभी ठीक है उनको दबाया जा रहा है उन पर अटैक हो रहे हैं लेकिन वो एक बहुत बड़ी जमात है वो फिर उनका कम होगा अभी जो वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट है वो अपोजिशन के कंपोनेंट से कुछ जमात इस्लामी की सपोर्ट से कुछ फ़ौज की सपोर्ट से ज़्यादातर स्टूडेंट की सपोर्ट से बनी है मगर क्या वो इस काबिल है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या लॉ एंड ऑर्डर वो वहाँ बरकरार रखने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं क्योंकि उनका ये कहना है कि हम इलेक्शन कराएँगे और इलेक्शन से पहले अब वो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम पोलिटिकल जो सिचुएशन है और इधारों में रिफॉर्म्स करेंगे अगर वो रिफॉर्म्स के रस्ते पे चल पड़े जो इंटरिम गवर्नमेंट के लोग हैं तो फिर नामूम के ये इलेक्शन कब होते हैं इसके बारे में कोई सर्टन नहीं है और ये जो वहाँ पे क्यास की सूरत हाल है एक तरह से अारकियत की जो सूरत हाल है उस पर क्या ये इंटरिम गवर्नमेंट काबू पाने में कामयाब होती है या नहीं होती इसका अंदाजा अगले कुछ हफ्तों में होगा चलिए अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं पाकिस्तान में आई आई के बदनाम ज़माना सबक चीफ जनरल फैज़ हमीद पर चलने वाले कोर्ट मार्शल की ख़बर को आप कैसे देखते हैं देखिए जनरल फैज़ हमीद बिलाशुबा पाकिस्तान आ, की आईएसआई के जब वो चीफ भी थे तब भी वो बदनाम ज़माना थे जब वो फिर कोर कमांडर पिशावर हुए तब भी वो बदनाम ज़माना थे और फिर जब पाकिस्तान में आ, दो साल पहले नए आर्मी चीफ आ, की सिलेक्शन का मरला चल रहा था उस वक्त पाकिस्तान में इंटायरम गवर्नमेंट थी शबाज शरीफ की तो न, तो बी जनरल फै़ हमीद ने पूरी न सिर्फ लॉबिंग की बल्कि मकमल तौर पर इंतशार फैलाने की कोशिश की जो पाकिस्तान से खबरें आ रही उनके मुताबिक वो आर्मी चीफ़ बनना चाहते थे और फिर आर्मी चीफ़ ना बन सके फिर वो रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद अब उन पर पाकिस्तान की आर्मी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी और तोड़ फोड़ का अमल जारी रखा और सियासी तौर पर इमरान ख़ान की जमात पी टी आई को वो वर्गलाते रहे और जो नौ मई के वाक़ हुए हैं वो भी बताया जाता है कि उनके पीछे भी जनरल फैज़ हमीद की आ, कुछ एडवाइज़ शामिल थी लेकिन जिस मसला पर उनको पकड़ा गया है वो टू थाउजेंड का मसला है वो पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन मैन हैं उनका ये कहना है कि उनकी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो था आ, उस पे इन्होंने ना सिर्फ इंटरफेयर किया बल्कि उनको अपने उस वक्त चूंकि आईएसआई के चीफ थे और उन्होंने उस वक्त उनको किडनैप करवाया उनके घर से सोना पैसा उठवाया और उन पे तशद्द भी किया इस हद तक ख़बरें आई हैं पाकिस्तान से और फिर उनसे कहा गया कि आप फ़लाँ फ़लाँ टी वी चैनल्स को पैसे दीजिए वो जो बिज़नेस मैन थे गलबन मोईज उनका नाम था तो वैसे तो ये वो हैं मामला जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान के सबक जनरल रिटायर्ड रे, जनरल सबक चीफ आई एस आई पर ये जो अभी पाकिस्तान की फ़ौज ने इल्ज़ाम लगा के उनको अपनी तहवील में लिया कोर्ट और कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया है लेकिन अगर देखा जाए तो आ, इन पर और भी बहुत सारे आ, ना सिर्फ इल्ज़ाम हैं बल्कि ठीक ठाक किस्म के जो हैं एलिगेशनस और भी हैं जिस तरह मेनूवरिंग की ये तो एक टॉप सिटी एक कोई वहाँ पे बताया जाता है हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसके सिलसिला में उनकी बदनवानियों या उनकी इंटरफेरेंस या किडनैपिंग के हवाले से ये अब चल रहा है सिलसिला मगर जनरल फ़ैज़ अमीद के अगर कारनामे देखें तो वो कारनामे कम नहीं है और बाय द वे ये कारनामे सिर्फ सिर्फ जनरल फैज़ हमीर के नहीं हैं जनरल बाजवा भी इसमें इन्वॉल्व थे और भी लोग इन्वॉल्व थे तो ये सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसे ये पता चलता है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जितना फिल्थ है या जितना मैस है वो कोई नई बात अगर से नहीं है मगर वो इस बार अगर सामने आया है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो इस वक्त आर्मी की मौजूदा लीडरशिप है उनके साथ जनरल फैज़ ने हमेशा कोई ना कोई मैस किया तो अब उनको मौका मिला है कि वो जनरल फैज़ पे अपना शिकंजा कर सकें चलिए तो क्या इस खबर से पाकिस्तानी फौज के बारे में तासर बेहतर होगा कि फौज अपने ऑफिसर्स का भी एहत करती है वरना तो पाक फौज सिर्फ सियासतदानों के ही पीछे पड़ी रहती है देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इस आ, अमल की वजह से पाकिस्तानी फ़ौज का कोई तासर बेहतर होगा अब पी टी आई के जो बहुत सारे सपोर्टर्स हैं वो जनरल फैज़ हमीद के भी सपोर्टर हैं अगर जनरल फैज़ हमीद ने वहाँ पर जिस तरह की पावर पॉलिटिक्स की है उसमें उन्होंने पी टी आई को कोई फ़ायदा नहीं दिया बल्कि पी टी आई को भी मिस गाइड किया है मगर पी टी आई के लोगों को ये बात शायद समझ नहीं आएगी आ, कुछ को समझ आ रही है लीडरशिप के लेवल पर मगर जो अवाम जनता है उनकी वो शायद इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो जनरल फैज़ हमीद ने जो कुछ किया अगर वो कब्ज़े में आए हैं शिकंजे में आए हैं फ़ौज के तो इसकी बुनियादी वजह जैसा मैंने पीछे कहा वो चूँकि इस वक्त की आर्मी लीडरशिप के साथ उनके फड्डे जो हैं जब वो फ़ौज के अंदर थे अभी रिटायर नहीं हुए थे तब से चले आ रहे हैं तो अब आ, इस वक्त की लीडरशिप को मौके मिले हैं मौाक़े मिले हैं कि उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब हम तुम पे शिकंजा कसते हैं तो इससे पहले भी पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर बहुत सारे फौजी अफसरों के ख़िलाफ़ एक्शन हुए हैं अभी रिसेंटली गलबन एक डेढ़ साल पहले पाकिस्तान के सेटिंग एक से ज़्यादा आ, सीनियर फौजी अफसरों का कोर्ट मार्शल हुआ था उसमें से सिटिंग जर्नैल भी थे तो वो कोई नई बात तो नहीं है मैं तो अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखूं तो एक अरसा दराज से पाकिस्तान की हिस्ट्री में फौजियों के खिलाफ कोर्ट मार्शल होते ही रहते हैं बहुत सारे कोर्ट मार्शल तो ऐसे हुए हैं पाकिस्तानी फौज के अंदर जिनकी हमें खबर भी नहीं, नहीं मिली और वो सब कुछ हुए तो पाकिस्तानी फौज का जो इमेज है जो आपका बुनियादी सवाल है क्या बेहतर होगा यकीनी तौर पर बेहतर नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तानी फौज का इमेज पाकिस्तान की आवाम में काफी खराब है ये सिर्फ और सिर्फ पी टी आई लोग पी टी आई के लोगों की नज़रों में ही खराब नहीं है बाकी पोलिटिकल पार्टीज के जो सपोर्टर्स हैं उनकी नजरों में भी खराब है यूक्रेन के रूस के अंदर घुस कर हमला करने और रूसी इलाकों पर कब्जा करने के बाद की सूरत हाल को आप कैसे देखेंगे देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है यूक्रेन जिस तरह आ, रूस के कुछ इलाकों में घुसा है ये पहली बार इस जंग के दौरान हमने देखा है इसका मतलब ये है कि यूक्रेन रूस को ये कह रहा है कि आप हमारे इलाकों के अंदर घुसे आपने कब्जा किया अब वो वाला काम जो आपने किया था हम भी करेंगे इससे पहले रूस मकम्मल तौर पर आ, जो है वो अपनी आ, जारहाना पॉलिसियाँ जारी रखे हुए था अब वही जारहाना पॉलिसियाँ यूक्रेन ने भी अपनाई हैं और एक मैसेज दिया है कि आप अब हमारे इलाकों से बाहर निकलें तो हम भी बाहर निकल आएंगे इनडायरेक्टली उनका कहने का मकसद ये है अगर जे यूक्रेन के रूस के अंदर ये वाले हमले से पहले आ, या हमले के दौरान अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन ने यह नहीं कहा कि हम मदद कर रहे हैं मगर इससे वाज ये पैगाम मिलता है कि इनफैक्ट उनकी सपोर्ट की वजह से उनकी शेय की वजह से वो यूक्रेन ने यह अटैक किए है अब यूक्रेन के सदर विलेंस्की ने एक मैसेज में कहा कि भाई हमने ये हमले अपने तौर पर किए अमेरिका ने ये कहा कि भाई हमें इल्म नहीं था यूक्रेन ने ये वाला काम करना था यही बात यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे ने कही और उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे ने कहा कि अगर यूक्रेन ने ये काम किया है तो बिल्कुल ठीक सोच समझ के किया है वो यूक्रेन बेहतर समझता है कि उसको इस जंग में अगला स्टेप क्या लेना है और यूक्रेन के पास इस बात का राइट था क्योंकि यूक्रेन को बड़े ही मॉडर्न वेपन्स मिले हैं टेक्नोलॉजी मिली है जंग की जिसकी वजह से ये हमला जिस तरह उन्होंने ड्रोन वहाँ पे फेंके जिस तरह वहाँ पे उन्होंने आ, ये हमला किया है और रूस के इलाके में घुस गए हैं और कुछ गांव जो हैं उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं अब इससे होगा क्या रूस ने तो पहले ही यूक्रेन के बहुत सारे इलाके कब्जे में किए हुए हैं अब रूस क्या करेगा रूस ने उसके बाद अटैक किए हैं कीव पे अटैक किया है कई लोग मारे गए और भी वो इलाक़ों पे आ, अटैक कर रहा है अब रूस अपने अटैक और बढ़ाएगा अब रूस के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये है कि जिन इलाकों में यूक्रेन घुसा है उसमें से यूक्रेन को बाहर निकाला जाए उनकी फ़ौजों को वहाँ से बाहर निकाला जाए अब सदर पुतिन इस बात का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि वो कैसे उनको बाहर निकालें तो अभी तक जो हमने देखा कि ये जो एग्रेशन थी इस जंग में वो मेनली रूस की तरफ से थी अब ये एग्रेशन यूक्रेन की, की तरफ से भी शुरू हो गई है तो क्या आ, अब कोई जवाबन रूस कोई बहुत सख्त कदम उठाएगा या रूस थोड़ा सा घबरा जाएगा और सोचेगा कि भाई अब तो यूक्रेन हमारे इलाकों में आ गया और बहुत सारे मॉडर्न असले के साथ आया हाँ हमारे लिए अब आसान नहीं है उसको पुश बैक करना तो हम अब टेबल पे जाएं कोई ना कोई बीच में लोग बैठाएं और यूक्रेन से कहेंगे ठीक है कुछ हम आपके इलाक़ों से निकलते हैं कुछ आप हमारे इलाके से निकलें एक तो ये सिचुएशन हो सकती है दूसरी सिचुएशन जो ख़तरनाक है कि रूस कोई बहुत ही खौफनाक किस्म का अटैक करे यूक्रेन के इलाकों में और ये अब जंग की एक नई मनसूबा बंदी है जो यूक्रेन ने किया सिर्फ बंदी नहीं बल्कि अमली काम किया है अब इस अमली काम के नतीजा में रूस कितने सख्त अकदाम उठाता है और क्या यूक्रेन की फ़ौज को पीछे फेंकने में कामयाब होता है या नहीं होता ये अब देखने वाली बात है हुँ. और ये अलबत् जो यूक्रेन का कदम है इसने यूक्रेन रूस की जंग को मज़ीद खतरनाक बना दिया है और देखने वाली बात यह है कि अब यूक्रेन ने जो एक तरह से जुआ खेला है उसका यूक्रेन को कोई फ़ायदा होता है या फिर रूस का कोई शदीद अटैक होता है लेकिन इस सारे मामले से अब यही पता चलता है कि जंग आगे को मजीद बढ़ रही है फैल रही है तो देखने वाली बात है कि क्या वाकई जंग आगे मजीद फैल रही है या यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस पीछे हटेगा और जंग के पीछे हटने के कोई इम्कान हैं कोई नेगोसिएशन होती है तो ये अब देखने वाली बात है चलिए अब चलते हैं बरतानिया की तरफ तो बरतानिया में नस्ली फसादात की आग भड़क उठने वाले हालात को आप कैसे देखते हैं अभी बरतानिया में लोगों को इन फसादात में मुलविस होने पर कड़ी सजाएं भी सुनाई जा रही हैं क्या हुकूमत इन फसादात पर काबू पाने में कामयाब हो सकेगी क्योंकि ये तो काफ़ी देर से ये भी चल रहा है सिलसिला देखिए बरतानिया में नस्ली फसादात अभी तीस जुलाई से ज़्यादा बढ़ के जब साउथ पोर्ट के इलाका में तीन छोटी बच्चियों को एक बरतानवी बॉन शख्स ने मारा और वो ख़बर फैली कि शायद वो मुस्लिम है इमीग्रेंट है हालांकि वो बरतानिया में ही पैदा हुआ था और वो आ, अफ्रीकन बैकग्राउंड का नौजवान था सत्रह साल नौजवान था लेकिन ऐसी बात नहीं कि ये तीस जुलाई को जो नस्ली फसाद या रेसिज्म शुरू हुई है वो एकदम से तीस जुलाई से शुरू हुई है ये वहाँ पे मुसलसल कई दहाइयों से चली है और गुस्सा जो है इमीग्रेंट्स के ख़िलाफ़ सिर्फ बरतानिया में नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में पहले तो यूरोप की हम बात करते हैं फिर इवन अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में आ, जो इमीग्रेंट्स के ख़िलाफ़ और प्रिसाइजली मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ रहा है अच्छा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जज्बात हैं वो जो सात अक्टूबर दो हज़ार तेईस को हमास का अटैक हुआ था उससे भी और उस अटैक के बाद जो हमास आ, के सपोर्टर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंग्लैंड में भी पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में इवन हमारे कनाडा में वो बहुत ज़्यादा फजा मुस्लिम इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ बन रही है जज्बात बन रहे हैं अब उन तीन मासूम बच्चियों की हलाकत के बाद तो एक दम से वो कह तो यही रहा है मीडिया भी और वेस्टर्न सरकारें भी कि वो झूठी खबर थी सोशल मीडिया पे गलत तरीके से आई वो ठीक है वो झूठी खबर थी सोशल मीडिया पे गलत तरीके से आई मगर वो लोग पहले से ही सोच रहे हैं अच्छा ये 30 जुलाई से पहले भी वहां पे कुछ ना कुछ हो रहे हैं आ, न, पूरे वेस्ट में इस जी, जी मतलब जो पूरे वेस्ट में जी, फ्रांस में आप देख लीजिए जिस तरह इलेक्शन जर्मनी में नीदरलैंड में इवन कनाडा में अमेरिका में तो ये सारी जो सूरत हाल ऐसा नहीं है कि वो उस कोई झूठी खबर की वजह से एकदम से हुए हैं वो तो एक स्पार्क था जो जो चला एक आ, वो पहले से हालात मौजूद थे अब बरतानिया की हुकूमत ने आ, इस पर सख्त एक्शन लिया उन्होंने पुलिस को भी तैयार किया ज़्यादा नफरी पुलिस की तैयार की अब आ, उन्होंने कुछ लोगों को आ, भेजा है आ, जेल कुछ को दो साल की सजा मिली है कुछ को तीन साल की सजा मिली है अभी चंद लोगों को सजाएं मिली हैं चूँकि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर वो बार बार कह रहे हैं कि मैं कोर्ट से कह रहा हूँ कि इनको सख्त से सख्त सजाएँ दें ताकि हालात पर काबू पाया जा सके अब क्या ये नस्ली जो फसादात की ये जो नई फजा बनी है क्या इस फ़ा को बरतानिया की हुकूमत कंट्रोल करने में कामयाब होगी इन फसादात को रोकने में कामयाब होगी अपेरेंटली तो वो कामयाब हो जाएंगे क्योंकि बरतानिया की हुकूमत की एक तरह से इनडायरेक्ट शायर से इमीग्रेंट्स के और पाकिस्तानी जो वहाँ पर रह रहे हैं नस्लों से अगरचे रह रहे हैं उनके भी अब काउंटर प्रोटेस्ट हो रहे हैं अच्छा ये जो कम्युनिटीज़ हैं मुस्लिम कम्यूनिटीज़ या दूसरी अफ्रीकन कम्यूनिटीज़ ये मिल के जब बाहर निकले हैं तो जो कोर्ट अनकोर्ट फार राइट के लोग थे तो इनसे ज़्यादा नंबर में ये बाहर निकले हैं। तो कूमत को बड़ी सपोर्ट मिली पुलिस को बड़ी सपोर्ट मिली कि भाई ठीक है फार राइट जिनको वो कहते हैं अब हम उनको पीछे धकेलने में कामयाब हो गए हैं अब हम सजाएं दे सकेंगे क्योंकि जो इमीग्रेंट कम्यूनिटीज़ हैं जो तीन चार नस्लों से भी रह रही हैं और फिर कुछ ऐसी इमीग्रेंट कम्यूनिटीज़ हैं जो वहाँ पर रिसेंट सेटलर हैं तो वो अब सारे बाहर निकल आए हैं क्योंकि उनके पास भी कोई च्वाइस नहीं है उन्होंने दुनिया में कहाँ जाना है वो भी अब अपना दिखाएं और वो नंबर्स में ज़्यादा हैं फार राइट के लोग इतने लोग नहीं निकाल सकते मगर फार राइट right के लोगों के अंदर जो जज्बा हैं इमीग्रेंट्स के बारे में वो नहीं ख़त्म हो गए अब देखिए वहाँ पे एक आ, पूरी दुनिया में एक ये इम्पैक्ट बन रहा है इस पर हम किसी वक्त अलग से शो करेंगे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो मेन स्ट्रीम सरकारें हैं और जो मेन स्ट्रीम की एन हैं वो जो जो नेटिव्स हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के और नेटिव वेस्टर्न वर्ल्ड के नेटिव्स अब वो इंडियंस वो नहीं समझे जाते वो एक्चुअली तो वो हैं मगर जो यूरोपियन सेटलर्स हैं आप नेटिव ना कहिए उनके लिए टर्म सेटलर ही यूज़ हैं है, और लेकिन... इसी वजह से ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि जब आप सेटलर हैं तो आप किसी भी सेटलर को चैलेंज नहीं कर सकते देखिए सेटलर भी अग, अग, अगर हम कहेंगे जो यूरोपियन नजार लोग हैं वो कनाडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में तो हो सकते हैं लेकिन यूरोप में तो वो नेटिव्स हैं यूरोप में तो वो उनका देश है अब अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया में अगर ये जो आ, मतलब वाइट नेशन या वेस्टर्न नेशंस गई हैं ये हम कह सकते हैं कोई पाँच छः सात आठ नस्लें पहले यहाँ कनाडा अमेरिका में आई हैं वहाँ पे तो वो नेटिव्स हैं यूरोप में तो वो पक्के नेटिव्स हैं तो यूरोप के हद हाँ तक जो वहाँ के नेटिवस हैं वो अब शदीद रिएक्शन दिखाएंगे और ये जो सजाएँ हो रही हैं इन सजाओं के खिलाफ भी अब जज्बात और भड़केंगे ठीक है वो लोग उतनी तादाद में बाहर नहीं आ सकते जलसे जुलूस के लिए जितनी तादाद में आ, जो इमीग्रेंट्स कम्यूनिटी आ जाएगी मगर मगर अब ये डिवीजन जो है वो और बढ़ेगी और शदीद फैलेगी और जाएगा फिर तो फिर तो वो जो वाइट कम्युनिटीज के लोग हैं जहाँ पे वाइट कम्यूनिटीज की आ, मतलब वहां पे तादाद ज्यादा है वहां पे फिर इमिग्रेंट्स का जाना मुश्किल हो जाएगा और इमिग्रेंट्स के इलाके में फिर वाइट, वाइट लोगों का जाना मुश्किल हो जाएगा तो सोसाइटीज में और दिदीज्ञु, बड़े और ये क्लैश होते रहेंगे वक्ती तौर पर तो हुकूमत इस पे काबू पा लेगी मुझे ऐसा ही दिखता है मगर इस मसले पे काबू नहीं पा सकती चलिए अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं ईरान इसराइल के हवाले से इनके महाज पर भी गर्मा है ईरान का कहना है कि वो इसराइल पर हमला जरूर करेगा हम हर हफ्ते बात करते हैं इस जंग के फ्यूचर के हवाले से इस हफ्ते की सूरत हाल इस जंग पर जंग कितनी फैलती नजर आती है देखिए अगर हम इस हफ्ते की सूरत हाल के तनाजर में देखें कि जंग कितनी आगे फैलेगी तो उसमें एक बात तो तय है कि जितनी जंग ऑलरेडी फैली हुई है ये भी काफी फैली अब ये कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि वो जंग कनाडा तक आ जाएगी या चीन तक चली जाएगी द वे चीन ने भी मजम्मत की है इसराइल की रिसेंटली और रूस ने भी की है इसके बावजूद चीन और रूस इस जंग में नहीं कूदेंगे और इवन यूरोप भी इस जंग में नहीं कूदेगा अमेरिका भी इस जंग में नहीं कूदेगा अमरीका और वेस्टर्न वर्ल्ड इसराइल पर दबाव तो डालती है कि आप सीज़ करें कुछ सोल्यूशन निकालें मगर वह इसराइल को सपोर्ट भी करते हैं तो ये जंग जितनी फैली हुई है ये ऑलरेडी मतलब उसी रीजन के देशों में फैली हुई है यानी यमन आ, लबनान ईरान इसराइल तो वो वहाँ पे फैली रहेगी यानी उसमें ऑफ कोर्स गजा और फलस्तीन के जो इलाके हैं वो तो हैं ही हैं बैटलफील्ड फील्ड के तो इतनी ही फैली रहेगी और इसमें इवन अरब देश भी नहीं कूदेंगे बल्कि मिसर हो सऊदी अरब हो यूएई हो इन सब की कोशिश है कि ये सीज़ फायर हो क्योंकि वो इस बात को पसंद नहीं करते कि इन जहादियों की वजह से उनकी तरक्की रुकी हुई है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते वो उन जहादियों के सपोर्टर भी नहीं है बिल्कुल सपोर्टर नहीं है तो इस सारी सिचुएशन में ये जो वहाँ पर हालात हैं यानी बुनियादी तौर पर तो हमास और इसराइल की जंग थी लेकिन इन ईरान की सपोर्ट शामिल थी इसीलिए ईरान में हमास के जो सबका लीडर हैं इसमाइल हानिया को मार दिया इसराइल ने इसराइल ने आज तक इसका इकरार तो नहीं किया कि हाँ हमने मारा था मगर इनकार भी नहीं किया और पूरी दुनिया को पता है कि इसराइल ने किया फिर इसी तरह लबनान में वो मुसलसल हिजबुल्ला के लोगों को मार रहे हैं और फिर वो हूतीयों पर हमले कर रहे हैं हूती और ईरान और हिजबुल्लह इसराइल पर हमले करते रहते हैं तो ये ऑलरेडी जितनी फैली हुई है इतनी ही फैली रहेगी इससे आगे नहीं जाएगी मगर इसका रुकना ज़रूरी है ये अगर मतलब थोड़ी और अगर ये इंटेंसिफाई होती है तो हम इमेजिन करते हैं कि और क्या होगा इसराइल पर हमले बढ़ेंगे ईरान के जैसा अब वो ईरान कह रहा है कि यूरोप और अमेरिका अमरीका ने ईरान से कहा कि आप हमला ना कीजिएगा इसराइल पर अगर इसमाइल हानिया को मार दिया था इसराइल ने फ़र्ज कीजिए आपके यहाँ आके हाँ यकीनी तौर पर मारा था तो आप रुक जाइए लेकिन आज ही ईरान ने कहा है कि मैं तो नहीं रुकूंगा क्योंकि ईरान की अपनी प्रेस्टीज का मामला है उसकी अपनी पब्लिक कंजम्पशन का मामला है वो अपने इन प्रॉक्सीज को क्या कहेगा हिज, हिजबुल्ला को क्या कहेगा हमास को क्या कहेगा वो कमज़ोर हो गया वो ईरान ये आ, इमेज बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ईरान कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा और ये कोई नई बात नहीं है सात अक्टूबर से अब तक टिट फॉर टैट के सिलसिला में एक दूसरे पर यह हमले कर रहे हैं तो बुनियादी आपका ये सवाल कि क्या ये जंग और फैलेगी मेरा ये ख्याल है कि इतनी ही जितनी फैली हुई है इतनी ही फैली रहेगी इसमें कोई आ, मतलब शिद्दत और संद्ध आ सकती है लेकिन इसराइल भी पीछे नहीं हटेगा और ईरान पीछे हटना चाहता है फ्रेंकली मगर ईरान ने इतना मैस किया हुआ है अपने प्रॉक्सीज के जरिए कि वो पीछे हट नहीं सकता इसराइल ये कह रहा है कि अब हम इतना आगे जा चुके हैं दुनिया में इतना बुरा कह चुकी है तो अब तो हम पूरा ऑपरेशन करेंगे ही, लेकिन उस ऑपरेशन के बाद भी मुझे नहीं लगता कि जहादी ग्रुपों का कला कमा हो सकता है। चलिए जाते हैं कनाडा की तरफ कैनेडियन मीडिया की खबरें हैं कि इसराइल हमास जंग के बाद कनाडा में एंटी सेमेटिज्म के जज्बात बढ़ रहे हैं अब आप इसके ऊपर रोशनी डालिए आप इसको किस तरह देखते हैं देखिए बिल्कुल ठीक है नेशनल पोस्ट की भी खबर है और भी यहाँ पे जो कैनेडियन मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये कहता रहता है कि एंटी सेमिटम बढ़ रही है इसके साथ साथ वो मीडिया ऑन एंड ऑफ ये भी कहता रहता है जी इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है अब मैं इस पर थोड़ी सी डिफरेंट बात करूँगा यहाँ पर हिंदू भी बहुत बढ़ रहा है इस पर किसी की निगाह नहीं जाती इसलिए कि वो इस मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में उसको देखा नहीं जाता अदरवाइज हिंदू फोबिया भी यहाँ पर बढ़ रहा है तो इस सारी सिचुएशन में चलिए मैं एंटी सेमिटिज्म पर मेनली बात करता हूँ एंटी सेमिटिज्म यहाँ पर पहले ही काफ़ी है और बुनियादी तौर पर एंटी सेमिटिज्म इसी मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ज़्यादा है क्योंकि जो मिडल ईस्टर्न कम्युनिटीज़ रहती हैं कनाडा में और मुस्लिम कम्युनिटीज़ रहती हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान इवन बांग्लादेशी भारतीय मुस्लिम्स भी वो सब इसराइल को नापसंद करते हैं उनका ये कहना होता है कि इसराइल को नापसंद करना एंटी सेमिटम नहीं है मगर वो एंटी सेमिटम इनडायरेक्टली बन जाती है वो फिर यहूदियों के ख़िलाफ़ बोलते, है। बोलते हैं ये जितना मर्जी मुस्लिम कम्यूनिटीज़ कहते रहें इनके लीडर कहते रहें ऑर्गेनाइजेशन कहती रहें कि नहीं हम तो यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं बोलते इसराइल के ख़िलाफ़ बोलते हैं लेकिन ये रियलिटी है हम अपने आ, मतलब ग्राउंड पे ग्राउंड रियलिटी ये है हम खुद देखते हैं कि यहूदियों के, के ख़िलाफ़ कितनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है और फिर यहाँ पे जब से ये मसला शुरू हुआ है यहूदी ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर ग्रैफ्टी uh, होती है तोड़ पोड़ होती है सनागॉक जो होते हैं यहूदियों की जो इबादतगाह हैं उनके बाद तोड़ फोड़ के कई वाक़ हो चुके हैं बहुत ही uh, जो हैं गलत मैसेज नफरत अंगेज मैसेज लिखे जा चुके हैं देखिए बात यह है कि uh, एंटी सेमिटिज़म के हवाले से यहूदियों के ख़िलाफ़ जज्बात ना सिर्फ uh, मुस्लिम इमिग्रेंट कम्यूनिटीज़ में वाज तौर पर पाए जाते हैं वो उसका इजहार भी करते रहते हैं और जब यह कॉन्फ्लिक्ट बनता है तो और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है ये नफरत यहूदियों के खिलाफ अफसोस से ये कहना पड़ रहा है और अम, फिर दूसरी तरफ दूसरी तरफ जिस तरह के प्रोटेस्ट फलसतीनी या मुसलमान कम्यूनिटीज यहाँ पर कर रहे हैं उसके नतीजा में मुसलमानों के खिलाफ भी जज्बात सिर्फ यहूदी कम्यूनिटी के अंदर ही नहीं बन रहे ऐट लार्ज कैनेडियंस हमारे अपने हमसाए कनेडियंस वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते अच्छा इसको आप इस्लामोफोबिया कह सकते हैं अच्छा इस्लामोफोबिया जो फोबिया है वो तो परसीव्ड फियर है ना परसीव्ड फियर्स ऑफ समथिंग। मगर ये परसीव्ड फियर नहीं है ये इनफैक्ट उनको रियल फियर नज़र आता है कि भाई ये तो चूंकि ये सिर्फ जो है मुसलमानों के जो जज्बात हैं उसकी वजह से जो वेस्टर्नर्स के कैनेडियन के, वेस्टर्नर्स हैं वही नहीं भड़कते ये पूरी दुनिया के वेस्टर्नर्स उनको इनसिक्योरिटी लाक होती है वो ये कहते हैं कि भाई ये तो कभी भी हमारा हिस्सा बनने को तैयार नहीं कभी भी ये इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कभी भी ये इसराइल या यहूदियों के लिए अच्छे जज्बात नहीं रखेंगे ये एक हकीकत है अब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो मर्जी कहती फिर कि नहीं हम यहूदियों के खिलाफ नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी सतह पे पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयान देती फिर मगर जो मैसेज हैं मुस्लिम्स के वो हैं वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं हम उस कम्युनिटी से खुद भी आते हैं एक तरह से हम खुद उन कम्युनिटीज अपनी उन कम्युनिटीज में देखते हैं वो वाज तौर पर यहूदियों के लिए और इसराइल के लिए जो है ना नफ़रत का इजहार करते हैं और वाज तौर पर कहते हैं कि इसराइल को जमीन से मिटा देना चाहिए अब जब ये बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि यहूदियों को मिटा देना चाहिए तो यह नफरत तो है और यह नफरत मैं दावे से कहता हूं 90 परसेंट से ज्यादा 90 परसेंट में थोड़ा नंबर कह रहा हूं ये अगर 99 भी कहूं मैं तो शायद गलत नहीं होगा मैं रफ एक बात कर रहा हूं नाइनटी नाइन परसेंट मुस्लिम कम्यूनिटीज में यही तासर है इसराइल को मिटाने के हवाले से और यहूदियों के खिलाफ बड़ी मुश्किल से हार्डली वन परसेंट कोई मुस्लिम्स होंगे जो थोड़ी सी समझ की बात करेंगे वो इसराइल को मिटाने की बात नहीं करेंगे तो अब अगर इतना खौफनाक रिएक्शन मुस्लिम कम्यूनिटीज़ की तरफ से और फिर जो यहाँ का फार लेफ्ट है वो भी इनके साथ मिल जाता है यहूदियों के ख़िलाफ़ आएगा इसराइल के ख़िलाफ़ आएगा तो फिर यहूदी मुसलमानों के बारे में भी

कि अपनी अपनी पोजीशनिंग है सर्टन स्टेट्स में कहा जाता है कि अमेरिका की 50 स्टेट्स में से शायद 42 या 43 में यह वाजे है कि ये स्टेट्स रिपब्लिकन्स की हैं यानी वो रेड स्टेट्स हैं और ये ब्लू स्टेट्स हैं यानी डेमोक्रेट्स की हैं वो ऑलरेडी तय है अब कोई 6, सात आठ ऐसी स्टेट्स हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है वहां पर जो लीड है उससे फर्क अब जब सदर ट्रम्प पे कातलाना हमला हुआ था तो सदर ट्रम्प ऊपर गया था उनका ग्राफ फिर जो बाइडन ने जब अपने आप को रेस से बाहर निकाल लिया और कमला हैरिस अब सदर के लिए वहाँ पे अपनी कैंपेन चला रही हैं तो धीरे धीरे उनका ग्राफ बेहतर तो हुआ है सदर ट्रम्प ने जो कन्वेंशन हुआ था लास्ट रिपब्लिकन का उसमें उन्होंने जे डी वैंस को चुना था वी पी पिक थे उनके जी डी वैंस के वी पी पिक बनने के बाद स्लाइड सा ग्राफ उनका नीचे गिरा है क्योंकि वी पी पिक आ, मिस्टर जी डी वैंस के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं माजी के जो बार बार इवन नॉट ना सिर्फ माजी के बल्कि रिसेंट दिनों में भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जैसे उन्होंने बच्चों के बारे में कह दी शायद कमाल हेरस को अटैक करते हुए उन्होंने की बात कि जी जिन कपल्स के या जिन फैमिलीज़ में बच्चे नहीं होते उनको वोट डालने का हक कम होना चाहिए मतलब इस तरह की बात उन्होंने कह दी तो ये बातें अमेरिकन ने को पसंद नहीं की और ये वाकई कोई इतनी अच्छी बात है भी नहीं जी डी वैंस हालांकि यंग चैप हैं उनकी कुछ बातें मेक सेंस भी करती हैं उनकी कुछ पुरानी बातें हैं ऐसी जो अब ला रहे हैं डेमोक्रेट्स वाले सरफेस पे ला रहे हैं यही पॉलिटिक्स होती है अब उसकी वजह से अब वो कैंपेन जो है थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है सदर ट्रम्प की या रिपब्लिकन्स की लेकिन देखिए जैसा मैंने कहा कि वो जो स्टेट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड हैं कि ये रिपब्लिकन्स की होंगी ये डेमोक्रेट्स की होंगी वो तो होंगी ही जो छः सात आठ स्टेट्स का झगड़ा है जिसकी वजह से इलेक्शन रिजल्ट वहाँ पर बनेंगे उनमें थोड़ी सी मकबूलियत जरूर कम हुई है सदर ट्रम्प की पार्टी की लेकिन अब ये देखना है कि सदर ट्रम्प कैसे अपनी मकबूलीत को वापस लाते हैं क्योंकि जब कमला हैरिस को आ, सदर की कैंपेन के लिए डेमोक्रेट्स ने इंडोर्स किया सदर बाइडन ने इंडोर्स किया तो एक चूंकि अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट है कि जी एक विमेन प्रेजिडेंट नहीं बन सकती फिर वो विमेन ऑफ कलर कम्युनिटी हैं वो नहीं बन सकती लेकिन उन्होंने ये तासर अपनी कैंपेन में तोड़ा है चूंकि अमेरिका भी बहुत बदल चुका है वहां पे भी इमिग्रेंट्स बहुत आ चुके हैं और ये जो उनके खिलाफ कैंपेन थी ये नॉनसेंस कैंपेन थी जी कि एक औरत को नहीं बनना लेकिन चाहिए। लेकिन अब तो वैसे भी पॉलिटिकल रियलिटीज़ बहुत अरसे से बहुत डिफरेंट हैं इसमें इस वक्त अमेरिका भी एक चेंज चाहता है अमेरिका भी स्टैंड करना चाहता है एज अगेन अ वेरी जेंडर इक्वलिटी बेस्ड पावर आई वुड से तो बहरहाल अब यह है कि ये जो एक तासर था कमला uh, हैरिस के खिलाफ वो लगता है कि uh, वो जो उनके सपोर्टर हैं और मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन जब हम मेजॉरिटी कहते हैं तो शायद 51, 52 परसेंट ऑफ अमेरिकन ऐसा नहीं है कि जब मेजोरिटी कहेंगे तो वो कोई सेवेंटी परसेंट हो जाएंगे बस वहाँ पे एक दो परसेंट से ही मेजोरिटी रहती है तो मेजोरिटी ऑफ द अमेरिकन को ये बात पसंद नहीं है कि जब ये कहा जाए कि जी कमाला हैरिस एक औरत है तो उनको नहीं होना चाहिए वो इस बात को डिसलाइक करते हैं यानी मैं रफली कह सकता हूँ फिफ्टी वन फिफ्टी टू परसेंट लोग तो ये बात भी अब एक रिएक्शन के तौर पर सामने आ रही है जिसकी वजह से कमाला हैरिस का ग्राफ थोड़ा ऊपर जा रहा है सदर ट्रम्प का ग्राफ नीचे आ रहा है आज के बिला तकल्लुफ तबसरों का हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया हम गाहे बाहे बिला तकल्लुफ शो में बिला तकल्लुफ तबसरे करते रहेंगे आज का बिला तकल्लुफ शो ताहिर गोरा और मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.